साथियों, अभ्यास 60 ऋषि प्रणाली पुस्तक से लिया गया है। यह हिंदी में लिखा हुआ है और इसे शॉर्ट हैंड में लिखना है, जिसे मैंने पहले से ही लिख रखा है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के प्रमुख शासनाधिकारी एवं संघ सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं। इन्हीं की देखरेख में भारतीय संघ का शासन कार्य संचालित होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार वयस्क या बालिक मताधिकार के आधार पर भारतीय संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बनाने को आमंत्रित करते हैं। मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के प्रधान को भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनके सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य बहुत से विभागीय मंत्री, उपमंत्री एवं राज्य मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाए जाते हैं तथा अपने अपने विभाग के जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दे देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा कार्य संभालते हैं। आवश्यकतानुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक सरकार द्वारा शासन कार्य संपादित कराते हैं। प्रांतों की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने अधिकार प्रांतीय राज्यपालों को दे रखा है। राजदूतों की नियुक्ति आदि का भी भार आप ही पर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, अपर हाउस व लोअर हाउस के सदस्यों, प्रांतों तथा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार हर 5वें साल संसद सदस्यों
का आम चुनाव होता है, साथ ही प्रांतीय विधानसभा तथा विधान परिषद का भी चुनाव बालिक मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव कार्यवाही की देखरेख भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश पर की जाती है।